और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। जम्मू कश्मीर के पैरा क्रिकेटर आमिर हुसैन लोन ने भारतीय कारोबारी गौतम अदाणी का शुक्रिया अदा किया। दरअसल भारतीय कारोबारी गौतम अदाणी ने पैरा क्रिकेटर आमिर हुसैन से किया वादा पूरा कर दिया है। अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के पैरा क्रिकेटर आमिर हुसैन लोन की आर्थिक मदद की है। इससे पहले उन्होंने एक ट्वीट करके आमिर हुसैन को आर्थिक मदद पहुंचाने का भरोसा दिया था। 34 साल के दिव्यांग क्रिकेटर आमिर हुसैन लोन जम्मू कश्मीर की पैरा क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। दोनों हाथों से लाचार होने के बावजूद उन्होंने देश और दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। गुड न्यूज टुडे ने इनके संघर्ष की कहानी प्रमुखता से दिखाई थी। आर्थिक मदद मिलने पर आमिर हुसैन ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें ऐसी मदद मिलेगी। अयोध्या में भगवान राम को मिलने वाली सौगातों का सिलसिला जारी है। राम भक्तों ने अब उन्हें चांदी की एक झाड़ू दान की है जिसका वजन 1.751 किलोग्राम है। अखिल भारतीय मांग समाज ने राम मंदिर को ये दान दिया है। साथ ही अनुरोध किया है कि गर्भगृह की सफाई के लिए झाड़ू का इस्तेमाल भी किया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बयान सुर्खियों में है जिसमें उसने कहा है कि नौकरी न होने पर भी पति को अपनी अलग रह रही पत्नी को भरण पोषण के लिए आर्थिक मदद देना जरूरी होगा। तलाक के एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये टिप्पणी की। कोर्ट के मुताबिक नौकरी न होने पर भी पति मजदूरी करके भी हर दिन कम से कम 300 से 400 रुपए कमा सकता है। यूपी के फतेहपुर का एक दिव्यांग युवक इन दोनों सुर्खियों में है। दरअसल दोनों आंखों से लाचार इस युवक ने यूजीसी नेट की परीक्षा पास की है। फतेहपुर के कांशीराम कॉलोनी में रहने वाले सुनील सोनी एक दुर्घटना में अपनी दोनों आंखें गंवा चुके थे। परिवार ने भी कई मुश्किल दौर का सामना किया लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। परिवार और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से आगे बढ़े और लाखों की भीड़ में अपनी योग्यता के दम पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे। अयोध्या में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ के बीच बिहार के खगड़िया के ये राम भक्त चर्चा में हैं। वो जिस तरह से अपने बुजुर्ग माता पिता को कांवड़ में बिठाकर अयोध्या दर्शन के लिए निकले हैं, उन्हें देखकर हर कोई हैरान है। बिहार में खगड़िया के नवादा गांव के रहने वाले अमरजीत अपने माता पिता को सरयू में स्नान करने और रामलला के दर्शन कराने के लिए बिहार से चले हैं।